मैं भी उन लोगों को फुटेज दिखाऊंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि तुमने किस तरह मेरे पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की थी। उन सब से बयान दिलवाऊंगा कि तुम अपनी मर्जी अपनी खुशी से मेरे घर पे मेरे साथ वक्त गुजारने आती रही हो। जाने मन मेरी हो जाओ, वरना ये तस्वीरें तुम्हारे शहर और देवर के ऑफिस भी पहुंच सकती हैं। नहीं फरिया, तुम जो मर्जी कहो, ये जो तुमने शर्जील वाली हरकत की है ना, ये माफी के काबिल नहीं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हारा घर बचा रहे, हर वो काम किया जिससे मेरे ही जमीर पर बोझ बन गया, लेकिन तुम्हारे मसले के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? अरसलान को बताने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है? किसी बाहर वाले से पता चले उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। और अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। फिर तो इसके लिए एक ही हल है, तुम उसके पास जाओ और उससे टाइम ले लो, मोहलत मांग लो। अच्छा है, मैं इसे जहर दे देती हूँ, मर जाएगा, मेरी तो जान छूट जाएगी। हेलो, ये क्या बदतमीजी है? You scared me. इतने प्यार से मेरे से बात करोगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी ना। तुम्हारी यही बातें मुझे बार बार तुम्हारे पास खींची चले आती हैं। तो बन जाओ ना मेरी, आ जाओ मेरे पास हमेशा के लिए। अरसलान को तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं है, मेरी बन जाओ हमेशा के लिए। ये सब इतना आसान नहीं है शर्जील, तुम्हारे तो ना आगे कोई है ना पीछे, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो। जहाँ चाहा वहां रहा। अच्छा, मेरी बात तुम बहुत गौर से सुना, मेरी जॉब हो गई दुबई में और मैं बहुत जल्द वहां जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अरसलान ने मेरी खातिर अपनी बीवी को छोड़ा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं काम करो, अरसलान को ही मार दो। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं लाड बुरा सही, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, स्टूपिड, आई डिडंट मीन इट। वैसे मैं गेस्ट हूँ, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? कैन आई गेट सम वाटर? ओके, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए।